वित्त वर्ष 2019-20 की शुरुआत में ही आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से अच्छी खबर आई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में निवेश और निर्यात में सुधार की वजह से जीडीपी दर 7.5% पर पहुंचने का अनुमान है। दक्षिण एशिया पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले तीन तिमाही के आंकड़ों से पता चला है कि ग्रोथ शानदार रही है। औद्योगिक ग्रोथ बढ़कर 7.9% पर आ गई है और इसी वजह से सर्वे सेक्टर में जो कमी आई है उसकी भरपाई कर दी गई है। इसी तरह से कृषि क्षेत्र की ग्रोथ दर भी 4% पर मजबूत रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत वृद्धि के अलावा खाद्य कीमतों में आने वाले समय में सुधार से महंगाई 4% के आसपास जा सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जुलाई 2018 से खाद्य वस्तुओं के दाम में गिरावट और तेल के दामों में नरमी के साथ रुपए के विनिमय दर में तेजी से महंगाई दर में कमी आई है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि सकल मुद्रास्फीति यानी महंगाई फरवरी 2019 में 2.6% रही और वित्त वर्ष 2018-19 में यह औसतन 3.5% रही। यह रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से कम है। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक ने रेपो दर में भी कटौती की है। तो वहीं करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों ही नरम रहने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक मोर्चे पर कुल राजकोषीय घाटा 2019-20 और 2020-21 में घटकर जीडीपी का 6.2 और 6% रहने का अनुमान है, जो भारत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।